हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM2 मैथ्स वन एंड वेलकम टू क्लास 7। दिस इज द सीरीज ऑफ NCERT मैथमेटिक्स सॉल्यूशन ऑफ क्लास 7। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ग्रेटर, इसमें ग्रेटर कौन सा डेसिमल नंबर है। सो सी, इसमें आपको क्या करना है, आपको जैसे पता है ये होल नंबर होता है पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे और पॉइंट के राइट हैंड साइड में टेंथ प्लेस होती है। वो अगर बड़ी होगी टेंथ प्लेस तो वो नंबर बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये टेंथ प्लेस है, 5 है यहाँ पे और यहाँ पे 0 है, सो ऑब्वियसली 0.5 इज़ ग्रेटर। यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ पे 5 है, सो 0.7 इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट ये डेसिमल में है, सो ऑब्वियसली 7 इज़ ग्रेटर। सी इन द नेक्स्ट, यहाँ पे 3 है टेंथ प्लेस पे और यहाँ पे 4 है, दैट मीन्स दिस नंबर इज़ ग्रेटर, 1.49। यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे 3 है, सो 2.30 इज़ ग्रेटर। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 होता है, ओके। और अगर देखो टेंथ प्लेस दोनों भी अगर सेम हो गए तो आपको नेक्स्ट जो प्लेस है 100th प्लेस उसको कंपेयर करना है। सो यहाँ पे 8 है तो नेक्स्ट क्या है 100th प्लेस, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 8 है, सो ऑब्वियसली 0.88 इज़ द ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। 7 पैसे को आपको रुपीज़ में कैसे लिखना है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रुपीज़ 1 मतलब ही 100 पैसे, ओके। देयर फोर 1 पैसा मतलब कितना होगा, रुपीज़ 1/100, ओके। सो इसीलिए ये अगर 7/100 होगा तो इसको आप डेसिमल में कैसे लिखते हो, 0.07, ओके। यहाँ पे रुपीज़ का साइन देना है। नेक्स्ट 7 रुपीज़ 7 पैसे, तो 7 तो आएगा क्योंकि वो होल है तो वो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, और 7 पैसे अभी हमने किया तो क्या आ जाएगा, 07 रुपीज़ 07। नेक्स्ट 77 रुपीज़ है मतलब होल नंबर है तो वो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, और 77 पैसे, ओके। नेक्स्ट 50 पैसे, अगेन सेम 0.50 रुपीज़ 0.50, क्योंकि ये कैसे आएगा 50/100। सी 100 पैसे मीन्स 1 रुपी, करेक्ट। यहाँ पे 200 पैसे है तो 2 रुपीज़ आएगा, सो रुपीज़ 2 पॉइंट और ये क्या आएगा 35 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1 एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। मीटर में भी लिखना है और किलोमीटर में भी लिखना है, सो फॉर दैट यू शुड नो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ओके। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर मतलब क्या आएगा, 1/100 मीटर। आपको पता है हम स्मॉलेस्ट यूनिट से बिगर यूनिट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करते हैं, और अगर बिगर यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बोला, वो मीटर में लिखना है तो 5/100 मतलब ही क्या आएगा, 0.05 मीटर, ओके। सिमिलरली 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना किलोमीटर होगा, 1/1000 किलोमीटर। सो यहाँ पे 0.05 मीटर है, उसको हमें किलोमीटर में लिखना है। देखो 0.05 मीटर हमें मिला है, वो हमें किलोमीटर में लिखना है, तो 0.05/1000 करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 0.00005 किलोमीटर, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट किया, देन किलोमीटर में किया। नेक्स्ट एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। सो सेम आपको पता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। सो 35 मिलीमीटर का सेंटीमीटर में क्या आएगा, यस 35/10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, ओके। और बाकी का
सेंटीमीटर किलोमीटर का अभी हमने सीखा है, तो मैं ये डायरेक्ट करती हूँ। अभी 3 सेंटीमीटर को हमें मीटर में लिखना है। तो कैसे आएगा, मीटर है मतलब ऑब्वियसली 100, सो नीचे 100 आएगा, 100 मीटर। सो ये हो जाएगा 0.035 मीटर। ओके, और अभी 0.0535 को हमें किलोमीटर में लिखना है, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। सो क्या आएगा, 0.00035 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन केजी। अभी ये हमें केजी में लिखना है। पता है कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ओके, अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको आपको ग्रेटेस्ट यूनिट मतलब केजी में कन्वर्ट करना है। सो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। सो 200 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप ये खुद डिवीजन करके देखो प्लीज़, 0.2 kg। नेक्स्ट 3470 डिवाइडेड बाय 1000 तो क्या आएगा आंसर, 3.470 kg। नेक्स्ट 4 kg 8 ग्राम, मतलब ही क्या होता है ये, 4000 ग्राम प्लस ये 8 ग्राम, सो 4008 अपॉन 1000, सो आंसर इज 4.008 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सो देखो, सबसे पहले तो 2, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, मतलब ये 2 × 10 प्लस ये 0 × 1 के, फिर प्लस ये 0 × ये टेंथ प्लेस है मतलब ये 1/10 है, प्लस ये 300 प्लेस है मतलब ये 3 × 1/100 आएगा, मतलब ये क्या आएगा, 10 × 20। ये 0 0 लिखने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 20 प्लस, ये भी 0 आने वाला है, लेकिन ये क्या आएगा, 0.03। ओके, नेक्स्ट ये 2 है मतलब 2 × 1। ओके, प्लस ये 0 × 1/10। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतना डीप जा रही हूँ, आप डायरेक्ट भी ये स्टेप कर सकते हो, ठीक है। प्लस ये क्या आएगा, 3 × 1/100, सो आंसर इज 2। प्लस अभी ये मैं 0 की स्टेप नहीं लिखूँगी, ये 0.03। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो, ये 100 प्लेस है मतलब ये 2 × 100, बाकी सब बीच में 0 ही आने वाला है, ठीक है, और ये प्लेस पे ही है मतलब ये अभी 3 × 1/100, मतलब ये कैसे आएगा, 200 प्लस 0.03। नेक्स्ट 2, अब ये वंस प्लेस है सो 2 × 1 प्लस ये 0 ही आने वाला है तो वो मैं नहीं लिखती हूँ अभी, ये 100 प्लेस पे है सो 3 × 1/100 प्लस ये 1000 प्लेस पे है सो ये 4 × 1/1000 आएगा, सो 2 × 1 = 2 प्लस ये क्या आएगा, 0.03 प्लस ये 0.004। आप इन सबको ऐड करके देखोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा, जैसे कि ये देखो 2, यहाँ पे आगे कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 0 0 होगा सो ये 0.03302। देखो सेम नंबर मिला आपको, ये देखो, ठीक है। सो हियर आवर एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 इज ओवर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 to 9। थैंक यू सो मच।